गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेम चैप्टर एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस, दैट्स नेम इज फोर्स एंड मशीन. ओके, फोर्स एंड मशीन चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी डील अबाउट द फोर्स. वी कंप्लीटली डील अबाउट द फोर्स, व्हाट इज फोर्स एंड द टाइप ऑफ द फोर्स. ओके, वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी एंड वर्क ऑल्सो, बट टुडे विल डिस्कस अबाउट द मशीन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट्स नेम इज द मशीन. व्हाट इज मशीन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मशीन इन अवर सराउंडिंग. मशीन स्टूडेंट्स, एक बार आप समझने की बातें होती हैं ये वाले, कि अगर हम कोई काम हम खुद से करते हैं, अगर ह्यूमन बींग वर्क करता है तो डेट टेक्स मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू द मशीन्स. कंप्यूटर कैलकुलेटर इजीली कैलकुलेशन करता है, बट ह्यूमन बीइंग को कैलकुलेशन करने के लिए, हैवी कैलकुलेशन, इतने लेंथी कैलकुलेशंस करने के लिए टेक टाइम्स. दे टेक टाइम्स, बट मशीन्स डू नॉट टेक टाइम्स. दे आपके कह सकते हो कि उन्होंने आपके काम को क्या कर दिया, इजी कर दिया इन एनी फॉर्मेट. इफ वी डिस्कस अबाउट इन आवर होम, इन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज टू सप्लाई द वॉटर टू द टैंक. इन एंसेंट टाइम यू यूज द हैंड पावर लेबर. That consumes much more time. And आपको क्या करना पड़ता था, फिजिकल वर्क करना पड़ता था, बट अब मोटर क्या, आपको ओनली क्या करना होता है, स्विच ऑन करना होता है, सारा काम क्या होता है, अपने आप होता है. आप मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टोव यूज करते हैं, एस करते हैं आप सभी स्टोव यूज, तो इन सभी में टेलीविजन यूज करते हैं, सभी मशीन है. आज आप ये कोरोना ड्यूरिंग में, आप कोरोना टाइम के अंदर, कोरोना पेंडेमिक में भी आप स्टडी कर पा रहे हैं ड्यू टू द मशीन, बिकॉज यू हैव ए मोबाइल फोन, यू हैव ए आईपैड, यू हैव ए लैपटॉप. आई अंडरस्टैंड क्लियरली कि मशीन्स ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, इजी कर दिया है. तो इस तरह से हम मशीन की हम बात करते हैं कि मशीन होती क्या है. तो मशीन आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच इजीर आवर वर्क, जिन्होंने हमारे वर्क को क्या किया है, इजी किया है, सिंपल है, इन्होंने हमारा जो टाइम कंजप्शन था उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया है. बट मशीन के टाइप क्या होते हैं, टू टाइप्स के मशीन होती हैं. फर्स्ट इज सिंपल मशीन एंड द सेकंड इज योर कॉम्प्लेक्स मशीन. फर्स्ट इज योर सिंप्लेक्स मशीन, ओके, एंड द सेकंड इज योर कॉम्प्लेक्स मशीन. एज योर नेम इंडिकेट कि सिंपल मशीन, आपको जिसके लिए ज्यादा इतना एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं होती. सिंपल मशीन आपकी इस तरह से भी होती हैं कि आपके जो वर्क को क्या करती है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल दोज टूल्स दैट आर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका सिंपल होता है एज, और आपके वो डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं उनको क्या करती है, इजियर. जैसे एग्जाम्पल हम अगर आपको बताते हैं, अगर आपको यहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, एक नेल थी जिसको मैंने हैमर से क्या किया, वॉल के ऊपर फिक्स किया, देन मैंने बोर्ड उसके ऊपर क्या किया, हैंग किया. मानते हैं ये बात आप सभी? तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ड्यू टू द सिंपल मशीन. सो नेल एंड हैमर आर द सिंपल मशीन, बट कॉम्प्लेक्स मशीन इट मीन्स क्रिटिकल मशीन्स दैट आर मेड अप बाय द सिंपल मशीन्स. कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स में आप सिंपल मशीन्स का क्या करते हो, यूज करते हो. टू और मोर सिंपल मशीन्स आर यूज टुगेदर, देन दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मशीन. एज लाइक योर टेलीविजन, इन टेलीविजन मैनी सिंपल मशीन्स वर्क टुगेदर, ओके. आप वॉशिंग मशीन, शिविंग मशीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन, बिकॉज हियर मैनी सिंपल मशीन्स वर्क टुगेदर, ओके. Are you satisfied with the simple machine definition and the complex machine definition? Now, what are the examples of the simple machine? In your chapter, you will discuss about only mainly about the simple machine. What is the simple machine? Simple machines have six type. Simple machines have six type. First is lever. Second is inclined plane. Third is your wedge. Fourth is your wheel and axle. Fifth is your pulley. And the sixth is your screw. Here six types of simple machines are found in your syllabus, but they have many various types. As like lever, lever is of three types.
फर्स्ट टाइप फर्स्ट काइंड लीवर, सेकंड काइंड लीवर, थर्ड काइंड लीवर, इस तरह से पुली इज ऑल्सो टू टाइप्स। तो आप यहाँ पे इनके टाइप्स करने वाले हैं, बट मेनली सिंपल मशीन्स क्या होती हैं आपकी, सिक्स टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेस, व्हील एंड एक्सल, पुली एंड स्क्रू, एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज। ओके, योर फर्स्ट इज लीवर। व्हाट इज लीवर? ओके, लीवर इट मीन्स लीवर कैन बी यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ओके, लीवर आपका यूज क्या कहा जाता है कि यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, कि हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम उनको ट्रिक से टैकल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो आपको क्या होगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हैवी ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, लिफ्ट अप, उठ जाएगा। ठीक है, एज लाइक योर सीसा, सीसा आपने काफी बार, ये आपका जो गेम है सीसा आपने देखा होगा कि आपने जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है आपको सीसा। ठीक है, ऑल यू नो अबाउट द सीसा, व्हाट इज द सीसा मशीन? ठीक है, सीजर। सो इट कैन यू से दैट ए लीवर इज अ रिजिड रोड, ए लीवर इज अ रिजिड रोड दैट कैन मूव फ्रीली अराउंड ए फिक्स पॉइंट। यू कैन राइट हियर ए लीवर इज ए रिजिड रोड that can move freely around a fixed point। कि lever आपका क्या है, rigid rod, rigid rod it means कि जिसकी shape आपकी क्या है, hard shape है, as like a marker, marker is a rigid rod, it cannot flexible, it is fixed, the distance between first point and the second point is always fixed because its body is rigid, so you can say that the lever is a rigid rod। Lever क्या होता है आपका, rigid rod होता है that can move freely, वो move freely करता है around a fixed point, वो एक fixed point के around क्या करता है, freely move करता है, as like your scissor, as you commonly know that you see that in your scissor one point in center that is fixed point and your rods are move freely, okay? So lever have three parts, first is your fulcrum, second is your load and effort, first is your fulcrum, second is your load and the third is your efforts। What do you understand by the term fulcrum beta? It means the fixed point, in your definition we will discuss about a fixed point and that fixed point is known as the fulcrum, okay? Fixed point जहाँ पे लीवर का आपका, जिसके अराउंड रोड्स फ्रीली मूव करती है, that fixed point is known as the fulcrum, simple, okay? Fulcrum is known as the fixed point। Second is the load, load means heavy object and the effort where you apply the force। इस तरह से लीवर के थ्री पार्ट्स है, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट, एंड इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, लीवर को आप डिफाइन करते हो कि मैनी टाइप्स में। आप लीवर के लिए एग्जांपल भी कह सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट, एक उनके रोड है, रोड के नीचे क्या है आपको, एक स्टोन दिखाई दे रहा है, स्टोन का साइज क्या है आपका, रोक का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है और लोड क्या है, काफी हैवी है। तो जो आपका वो जो स्मॉल स्टोन है, डेट एक्ट्स लाइक एज ए फल्क्रम, वो कैसे वर्क कर रहा है आपका, फल्क्रम की तरह वर्क कर रहा है, एंड द वेट ऑफ द हैवी स्टोन दैट एक्ट्स एज अ लोड एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोड दैट इज द एफर्ट, इन व्हिच इन दिस केस फल्क्रम इन द मिडल, लोड इज इन द अदर साइड एंड एफर्ट इज द अदर साइड, इट मींस मेन मिडल पोर्शन फल्क्रम एग्जिस्ट, सो इट इज अ टाइप ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, तो हियर three types of lever, number one is first class lever and the second is second class lever and the third one is third class lever। Okay, there are three types of the lever, in which we discuss about the first type of lever, in which
Falcon always exist in middle. कि आपको जो फल्क्रम है वो हमेशा क्या होगा, मिडल में एग्जिस्ट करेगा. वन साइड आपको क्या होगा, लोड एग्जिस्ट करेगा, और वन साइड आपको क्या होगा, एफर्ट एग्जिस्ट करेगा. अगर आप इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि आपका क्या है, ये आप मान लीजिए आपकी एक फिक्स रोड है, रोड है, ये आपका क्या है, एक सेंटर का पॉइंट है, डेट इज फल्क्रम. डेट पॉइंट इज नोन एज द, हमेशा आपका जो सेंटर में जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका फल्क्रम होगा. इस साइड आपने क्या कर रखा है, लोड अप्लाई कर रखा है, और इस साइड आप क्या कर रहे हो, एक एफर्ट अप्लाई कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप, एफर्ट अप्लाई कर रहे हो. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर. एंड द मेन यू सी ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीसा, क्रोबार एंड प्लायर आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर. द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट इज सीसा, सेकेंड इज सीजर, okay, these are the examples of the first class lever. Second class lever, what do you understand by the second class lever? Here in middle portion load is always exist. In middle aapka kya exist karega, aapka load exist karega. Fixed point aapka ek side hoga, then aapka effort aapka other side hoga. ठीक है, इस तरह से आपकी बात करते हैं. तो हम एफर्ट को, आपकी अगर लोड इस साइड है तो आपकी दब जाएगा, आपको उठाना है तो आप क्या करोगे, हमेशा लोड इस, एफर्ट इस तरह लगाओगे. एफर्ट यहाँ है, फलकम आपका यहाँ है, और आपके सेंटर में क्या एग्जिस्ट करता है, आपका लोड एग्जिस्ट करता है. दैट इज एग्जांपल ऑफ द सेकंड क्लास लीवर. एज यू सी इन द व्हील बैरो, व्हील बैरो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपका व्हील बैरो. अगर आपने नोटिस किया हो कि आपके जो डस्टबिन वाले होते हैं, आपके कह सकते हो आप स्वीपर्स होते हैं, दैट यूज द व्हील बैरो. ओके, एंड इन कंस्ट्रक्शन साइट्स वी ऑल्सो यूज द व्हील बैरो. एग्जाम्पल्स, व्हील बैरो, नट क्रैकर, बोटल ओपनर. व्हील बैरो, बोटल ओपनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड काइंड ऑफ लीवर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्लास लीवर. देख, फल्क्रम सेंटर में आ गया, लोड सेंटर में आ गया, अब आप क्या लगाने वाले हैं सेंटर में, एफर्ट लगाने वाले हैं. क्या लगाने वाले हैं आप, एफर्ट लगाने वाले हैं, क्योंकि थ्री का क्या होता है बेटा, वन बाई वन टर्न आता है. यहाँ पे आपका फिक्स पॉइंट है, डेट इज फल्क्रम. यहाँ पे आपका क्या है, लोड रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, एफर्ट लगाते हैं. एफर्ट आप कैसे लगाते हैं, आप इस तरह से यहाँ पे, सॉरी, आप इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं. तो आपका क्या बनता है, आपका थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में हमेशा क्या आता है, एफर्ट आपका क्या आता है, सेंटर में आता है. यह आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका स्टेपल होता है, आप करते हैं ना पेस को, आप क्या करते हैं, स्टेपल्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेपल, इन विच लास्ट पॉइंट इज अ फिक्स, that is known as a fulcrum, then load. जहाँ पे आपको pinch करना है वो क्या है, load, और आप effort क्या करते हैं, center में क्या करते हैं, आप effort करते हैं. so it is an example of the third class lever. now come to the next type of simple machine, that's name is the wheel and action. okay, we have that. No, man, हमने यहाँ पे second type of machine हमने क्या कर रखा है, inclined plane. so फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंक्लाइन प्लेन. व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन बच्चों, देखिए आप आराम से, इंक्लाइन प्लेन इट मींस कि अगर आपका ये आपका क्या है, सरफेस है, आप ऐसे इस तरह की आपने काफी तरह की क्या देखी होगी, आपने स्लोप में आपने क्या देखी है, राइड्स देखी है, इन द वॉटर पार्क, इन द अम्यूजमेंट पार्क, दैट आर द इंक्लाइन प्लेन. एंड यू यूजली यू सी दैट द ट्रक्स आर लोडेड with the heavy objects due to the inclined plane. यहाँ पे आपका ट्रक का सरफेस है, तो हैवी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, फोर्स दिया जाता है, वो इस तरह से वो क्या होते हैं, ट्रक में लोड कर जाते हैं, एज लाइक योर कार, मोटरसाइकिल. ओके, ये क्या थी आपकी इंक्लाइन प्लेन की आपकी बात थी. इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, आपका हमेशा स्लोप होता है, आपको किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को एक हाइट के ऊपर मूव कराने के लिए आपको कम एफर्ट करना पड़ता है, यू लेस एफर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो आपको इसके लिए एग्जांपल्स आते हैं, आप यूज करते हैं इंक्लाइन प्लेन के लिए, आप स्टेयर केस यूज करते हैं. स्टेयर केस आप क्या लेते हैं, स्लोप में लेते हैं, क्योंकि आपको हाइट के ऊपर जाने के लिए क्या लगाना पड़े, कम फोर्स लगाना पड़े. आप रैंप लेते हैं, रैंप आर आल्सो यूज टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स. यू यूजली सी योर रैंप इन योर स्कूल. स्लैंट रोड होते हैं आपके, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. ओके बेटा, आर यू वेल अंडरस्टूड बाई दिस टॉपिक.
If you have doubt, please meet with me in live class. Please attend your live class. Okay. Number third is VES. What is VES? As like inclined plane. When two inclined planes meet, a surface that have inclined plane and the other surface that have inclined plane, when they combine, they form a VES. They form a sharp surface. वो क्या बनाते हैं? Sharp surface बनाते हैं, as like knife. Knife में इसी तरह से होता है कि दोनों साइड से आपके क्या होते हैं? Slope होता है. वो slope जहाँ जिस point पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे वो मैट होते हैं, मिलते हैं, that is known as the wedge. वो आपके फिर किसमें काम आते हैं? Cutting में axe, कुल्हाड़ी होती है आपकी, knife होता है, that is used as a wedge. They have combination of the inclined surface. तो आप इसके लिए example कह सकते हैं axe, knife, okay, that is the example of the wedge. Nail, आपकी nail है, that is also an example of the wedge. आप यहाँ पे next आप करने वाले हैं wheel and axle. Wheel and axle, it means as you see in your diagram कि wheels, कि two wheels are connected with a road, that are the wheel and that road is known as the axle. That road is known as the axle. Wheel and all axle in your all vehicles, automobiles, you usually see that two vehicles are connected by a road. When the wheel moves, rotates, then axle is also rotate. That is the wheel and axle. That is the, that combination is known as the wheel and axle. Okay, the wheel and axle. इसके लिए आपके examples हैं wheel of a car. Wheel of a car, screwdriver, etc. Okay, simple. Now pulley machine. Your next topic is the pulley. Yeah, हम first सबसे पहले हम screw discuss करते हैं. Pulley के two types हैं. फिर हम आराम से discuss करेंगे. Screw क्या होता है बेटा? What do you understand by the screw? Screw आपका क्या होता है? Inclined plane. Screw क्या होता है आपका? As like name, inclined plane होता है. ठीक है, आपका इंक्लाइंड प्लेन है, वाउंड अराउंड ए रोड, जो हमेशा किसके अराउंड राउंड होता है आपके, एक रोड के अराउंड, वाउंड अराउंड ए रोड एंड मेक ए स्पाइरल फॉर्म एज यू सी इन योर फिगर. ओके, जैसे आपको स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्क्रू हेयर. ए रोड is wound, लपेटी गई है बेटा उसमें आपको चारों साइड इंक्लाइंड प्लेन से, that is known as the screw. And the example of the screw can be easily, screw is used for the hanging any object. Screw आपका easily wall में क्या होता है, fix होता है, उस पर आप heavy objects को क्या कर सकते हो, hang कर सकते हो, लटका सकते हो. ठीक है, तो screw के अगर आप example लेते हैं तो screw jack हो गया, drilling machine हो गई, जैक, ड्रिलिंग मशीन. ओके, नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेते हो, आपने देखा होगा कि बल्ब के एंडिंग में भी आपको क्या होता है, स्क्रू टाइप होता है, होल्डर के अंदर फिट करने के लिए, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द स्क्रू. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, पुली. ओके, पुली हैव टू टाइप्स. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ पुली एंड पुली हैव टू टाइप. नंबर वन इज फिक्स्ड पुली एंड द सेकेंड वन इज मूवेबल पुली. ओके, फिक्स्ड पुली, इट मींस द पुली दैट इज फिक्स्ड एंड मूवेबल, इन विच वन पुली इज फिक्स्ड एंड सेकेंड इज अ मूवेबल. So what is the difference between fixed pulley and second pulley? First of all, I will explain fixed pulley. It means आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है बेटा कि आपकी एक जो पुली है वो क्या है, आपकी फिक्स है, और आपकी पुली का शेप कैसी है, आपकी ग्रूव्ड व्हील. आप पुली में क्या यूज करते हो, आप ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप. आप क्या यूज करते हो, ग्रूव्ड व्हील एंड ए
रोप की आपका एक व्हील है जिसके सेंटर के अंदर क्या आपका स्पेस है और आपके जो उसके आउटर कॉर्नर्स है वो आपके ऊपर उठे हुए हैं और उसके अंदर आपके क्या एक रोप फिक्स है और जिसका आप यूज करते हो टू पुल आउट द वॉटर, टू पुल आउट द वॉटर फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल। ओके, इन एंशिएंट टाइम वी यूज द फिक्स पुली। आपका एक इसमें यूज आता है बेटा, ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम ए वेल एंड रेजिंग ए फ्लैग टू द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोल। कि आपको अगर किसी भी फ्लैग पोल के ऊपर अपना फ्लैग क्या करना है, लगाना है, तो आप वहां पे भी आप क्या यूज करते हो, फिक्स पुली का यूज करते हो। बट मूवेबल पुली आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स पुली। इसमें क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स पुली, टू पुलीज आर कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म द मूवेबल पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड पुली। ये आपके कम वेट को ऊपर लेके आने में काम करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, हैवी लोड को क्या करता है, लिफ्ट करता है, एज यू शो इन योर डायग्राम। ओके, टुडे विल कंप्लीट अवर, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको अगर किसी भी तरह से डाउट होता है, आप मुझसे फोन पे लाइव क्लासेस के ड्यूरिंग किसी भी टाइम पे आप मुझसे डाउट कर सकते हैं। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज, सो बी रेडी फॉर डैट। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।